यह बात है 8 जून 2012। जून का महीना था, उस रात बारिश भी हो रही थी। दो दोस्त जिनका नाम विशाल और अनिल है, वह एक रात अपनी बाइक से एक कब्रिस्तान के पास से जा रहे थे। विशाल दरअसल भूत प्रेतों जैसी मान्यताओं से अवगत नहीं था और इन जैसी बातों का मजाक बनाता था। उसे एक दिन अनिल ने बताया था कि किसी भी अनजाने पेड़ के ऊपर कभी टॉयलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन विशाल यह सब नहीं मानता था, तो उसने जानबूझकर उस रात कब्रिस्तान के पास एक पेड़ पर टॉयलेट कर दी और चिल्लाकर कहने लगा, अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो मेरे सामने आओ। ऐसा विशाल दो बार दोहराता है, लेकिन वहाँ ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती जो यह साबित करे कि वहाँ कोई मौजूद है। तभी अनिल को कुछ एहसास सा होता है कि वह पेड़ में कुछ तो है जो उसे गड़बड़ लगता है, और तभी अनिल विशाल से कहता है कि चल भाई, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे नहीं जाना, तुझे जाना है तो जा, लेकिन मुझे घर छोड़ के जा। तभी वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उस घटना के बाद अनिल विशाल से बात करना बंद कर देता है और उससे दूर हो जाता है। विशाल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनिल उससे बात नहीं कर रहा। उस रात की बात को हुए कुछ 4 दिन बीत चुके थे और विशाल को अपनी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। वह घर में कह रहा था कि शायद बारिश के चलते उस रात के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई हो। विशाल की तबीयत को कुछ 15 दिन हो गए थे, पर उसकी तबीयत ठीक होने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। तभी उसे डॉक्टरों के पास दिखवाया गया, पर तब भी कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। वह मानो घर में 1 महीने से कैद हो गया हो। उसके माँ बाप भी परेशान होने लगे कि विशाल को क्या हो गया है। एक रात विशाल पानी पीने किचन में घुसा और उसने अपनी ही परछाई पे गौर किया कि जैसे उसके पीठ पर कुछ टंगा है। वह जरा सा डर गया और लाइट जलाकर देखा कि उसकी पीठ पे क्या है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। पर उसे काफ़ी दिनों से यह महसूस हो रहा था कि उसकी पीठ पर कुछ भारी सा है। अगले ही दिन जब नानी चाय पी रही थी, तभी नानी ने सबको बुलाया और विशाल की तरफ देखकर बोली, मैं विशाल की काफ़ी दिनों से निगरानी कर रही थी और मुझे लगता है कि विशाल के ऊपर किसी बुरे साये का वास है और हमें इसका इलाज गांव के बाबा के पास कराना होगा। पर यह सब सुन के विशाल को तब भी यकीन नहीं हो रहा था। वह इन सब बातों को खारिज करते जा रहा था और डॉक्टरों के पास अपना इलाज जारी रखा था। परंतु एक दिन ऐसा आया कि विशाल को भी शक होने लगा कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। तभी अगले दिन वह अपनी नानी से बोलकर उन बाबा जी के पास खुद को दिखवाने की बात करने लगा। तो अगले दिन उसके परिवारजन उन बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा जी के पास जाते ही बाबा जी कहते हैं, वहीं रुक जा बालक। विशाल चौंक कर बोला, क्या हुआ बाबा जी? तभी बाबा जी बोले, तेरे ऊपर एक बुरे साये का वास है। विशाल चौंक गया। तभी बाबा जी ने उसके माथे में अपना अंगूठा लगाकर ध्यान किया और अपनी आंखें खोलकर विशाल से पूछा कि तुमने कभी किसी कब्रिस्तान के पास किसी पेड़ में टॉयलेट की थी? विशाल चौंक गया, क्योंकि यह बात सिर्फ उसके दोस्त अनिल को ही पता थी। डरे हुए स्वर में विशाल बोला, बाबा जी आपको कैसे पता चला? बाबा जी बोले, बेटा तुम जिन चीज़ों को मजाक ले रहे थे, असलियत में वह चीज़ें तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। तभी विशाल बाबा जी के पैर छूने लगा और बोला, बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ करिए। तभी बाबा जी ने कहा कि माफ़ी उनसे नहीं, उस आत्मा से मांगो जिसके साथ तुमने गलत व्यवहार किया। और तभी बाबा जी ने विशाल से पूछा, वो तुम्हारे कंधे में बैठा है और तभी तुम्हें अपने कंधों पर भारी सा लगता है। विशाल इस बात को सुनकर बताता है कि उसके कंधों में भारीपन तभी से लग रहा था जब से वह बीमार पड़ा। तभी विशाल बाबा जी के पैर छूने लगा
और बाबा जी ने बोला, मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी जगह बैठे रहो। बाबा जी ने कुछ मंत्र बोले, कुछ पूजा पाठ करी और उस आत्मा को उसके कंधों से हटा दिया। विशाल बोला, बाबा जी मुझे बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। बाबा जी ने बोला, अगली बार से कभी ऐसी गलती ना करना और हमेशा ऊपर वाले का ध्यान रखना। तब से यह घटना होने के बाद विशाल अब बेवजह किसी का भी मजाक नहीं उड़ाता और चैलेंज भी नहीं करता। यह घटना होने के बाद वह इन सब चीज़ों के ऊपर विश्वास भी करने लगता है। आत्माओं, प्रेतों में, भूतों में, सब में उसको विश्वास आ चुका है।